हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट किया था कि हमें कब फ्रेट फॉरवर्डर से बुकिंग करनी चाहिए, कब शिपिंग लाइन से डायरेक्ट बुकिंग करनी चाहिए और कब एनवीओसीसी से बुकिंग करनी चाहिए, और ये एनवीओसीसी है क्या, तो कौन सा चीपेस्ट है, किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग लाइन पे मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, एनवीओसीसी पे हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, तो इससे आपको समझ में आ पाएगा कि आपको कब कौन सा चूज करना है, कहाँ पर चूज करना है, तो उसके बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा। और उसके साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि इसका जो लाइसेंस होता है वो कब और कहाँ कैसे मिलता है। तो डिटेल से एनवीओसीसी के बारे में समझेंगे, तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले एनवीओसीसी के बारे में समझेंगे, ये आया कहाँ से। देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म नॉन वेसल ऑनिंग कॉमन कैरियर। अब आप सपोज कीजिए ये जो बंदा है वो एनओसीसी है और ये बंदा है शिपिंग लाइन है। अब शिपिंग लाइन, शिप ऑनर और चार्टर तीन टाइप के होते हैं। शिप ऑनर अलग भी हो सकते हैं, शिपिंग लाइन को दे देता है अपनी शिप को, और चार्टर होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। तो इनकी क्या होती है, जनरली आप ये समझ के लो, ये जो मैंने यहाँ पे शिप का एग्जाम्पल लिया है, ये शिप का जो मालिक है वो ये है, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह इसके लिए इसी अपनी शिप से करता है। बट अब यहाँ है जो एनवीओसीसी है वो क्या करता है, इससे कहता है कि भाई मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करता हूं, तो ये रेंटली या लीज पे कुछ स्पेस ले लेता है। जैसे सपोज कीजिए ये स्पेस इसने यहां तक है, इतना इसने ले लिया कि मैं ये एक साल के लिए, 6 महीने के लिए लीज पे ले ले रहा हूं, ये आप मेरे को बेटर प्राइस दीजिए। अब बेटर प्राइस क्यों देगा, देखिए इसको क्या है, अभी पीक टाइम में तो पूरी बुकिंग चलती रहती है, लेकिन क्या होता है जब भी क्या नाम है, जनरली क्या होता है वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आ रही, इतना ज्यादा बुकिंग नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी लॉस भी होता है। एनवीओसीसी जो होती है जगह जगह से लोगों से कनेक्ट होती है, इनका एक नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो क्या करते हैं, आप सपोज कीजिए अलग अलग शिपिंग लाइन से एनवीओसीसी उससे जगह को ले लिया, अब वो किस तरीके से वर्क करता है वो आगे बताएंगे, पर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट में इसको क्या फायदा हो रहा है, देखिए सबसे पहले क्या है, ये इससे बल्क में जगह लिया, बल्क में जगह लेने के बाद क्या हो गया, इसको इसने बेटर रेट पे देगा। शिपिंग लाइन को क्या है, अपनी पूरी शिप भरना है, उसको कमाने से मतलब है, तो यहां पर क्या है, सरदर्दी भी नहीं रहेगा, तो यहां पर क्या है, उसको थोड़ा सा नेगोशिएट करके उसको बेटर रेट यहां पर प्रोवाइड कर देता है, इसीलिए उसे कहते हैं कि नॉन वेसल ऑनिंग कॉमन कैरियर। अगर यहीं पर नॉन हटा दिए तो वेसल ऑनिंग कॉमन कैरियर यानी वीओसीसी, जहां भी आप देखोगे तो ये समझ लेना वो शिपिंग लाइन की बात हो रही। कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया, एनवीओसीसी जो है अपनी खुद के वेयरहाउस भी होते हैं बड़े लेवल पर होते हैं, ज्यादातर नॉर्मली आप देखोगे ना तो उनका वेयरहाउस होता है ना लॉजिस्टिक्स होती है, बट उनका जो नेटवर्क होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसी की हेल्प से वो वर्क करते हैं। यहां तक क्लियर है, एनओसीसी कहां से आया, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट। इस स्लाइड में हम समझेंगे जितनी भी लॉजिस्टिक सर्विस इन्वॉल्व होती हैं उनका वर्क क्या होता है, और तभी आप सारी को मैं एक साथ लेके चलूंगा तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और कब क्या आपको यूज करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए ये एक्सपोर्टर है, जो मैं यहाँ पे लिया हुआ एक्सपोर्टर है आप है, और आपको ये जो शिपमेंट है इम्पोर्ट करके उसको भेज एक्सपोर्ट करके उसको भेजना है, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टर है, ठीक है। तो इसको भेजने के लिए क्या चाहिए, एक लॉजिस्टिक सर्विस चाहिए, जनरली यही होता है। तो ये क्या करेगा, या तो एनओसीसी के पास जाएगा, या तो फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाएगा, या तो शिपिंग लाइन के पास जाएगा, तो आप किसके पास जाओ। तो सपोज ज्यादातर जो देखा गया है, जो स्मॉल शिपमेंट करते हैं और जो इतना भी सेटल नहीं हुई है छोटी कंपनियां, वो ज्यादातर एनओसीसी पे भी चली जाती है, उसके बाद आजकल फ्रेट फॉरवर्डर सबसे ज्यादा ही है उस पर भी चली जाती है, और शिपिंग लाइन पे जो जाते हैं जो जिनके पास ज्यादा लोड होते हैं यानी कंटेनर वाइज कंटेनर होते हैं, तो वो ज्यादातर उस पर जाते हैं। हालांकि तीनों सर्विस सारी प्रोवाइड करने लगे हैं करंट टाइम में, बड़ी बड़ी एनओसीसी भी आ गई है। अब इन्होंने सपोज कीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एनओसीसी का, इन्होंने शिपमेंट इसको दिया, शिपमेंट इसको देने के बाद ये क्या करेगा, पिक वगैरह कराए, इसका लोकल जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, लोकल जो भी होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं वहां से किसी भी कंट्री में, इनके छोटे छोटे बहुत सारे जो है एजेंट होते हैं, वहां से वो पिक करने के बाद वो जो पोर्ट है वहां तक पहुंचा देगा, जो इनके पास शिपिंग लाइन से जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहां पर शिपिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, और शिपिंग होने के बाद वहां से डिस्पैच होकर इंपोर्टर को शिपमेंट मिल जाएगा। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, देखिए इसने जो एग्रीमेंट लिया है, कभी कभी देखा गया है कि जो एनओसीसी है वो उसके पास लोड ज्यादा ना हुआ कभी, तो वो क्या फ्रेट फॉरवर्डर के पास चला जाता है। अब फ्रेट फॉरवर्डर से उसने जो है प्राइस लिया और आपको दिया, और फ्रेट फॉरवर्डर किससे ले रहा है, शिपिंग लाइन से ले रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको शिपिंग लाइन के पास ही जाना है। अब यहां पर आप सोचो कि दो लोग इन्वॉल्व हो गए आप और शिपिंग लाइन के बीच में, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका जो रेट होता है बड़े शिपमेंट में वो कहीं ना कहीं ज्यादा भी देखने को मिलता है, पर कभी कभी उल्टा भी होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर के पास क्या है लोड बहुत होता है, पर इनका जो कहीं ना कहीं ये भी जो है किसी ना किसी तरीके से एनओसीसी में कभी कभी जो है कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप समझो आपने इसको
भेजा और ये शिपिंग लाइन को भेज देता है, इनका भी नेटवर्क होता है। बट जो कंसोलिडेटर होते हैं वो फ्रेट फॉरवर्डर क्या करते हैं, कभी कभी इनके थ्रू भी जाते हैं, जिनके पास भाई जो लोड ज्यादा है वो कम रहेगा उसके हिसाब से जाना, क्योंकि क्या करना है अल्टीमेटली इन सबको फुल कंटेनर लोड बनाना है, क्योंकि छोटा छोटा कार्टन तो जाता नहीं ना शिप में, सिर्फ कंटेनर वाइज ही जाता है। तो ये कंटेनर बनाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, फ्रेट फॉरवर्डर जो है इनके बीच में जा रहा है, उसके बाद एनओसीसी के पास ज्यादा लोड है, वो शिपिंग लाइन के पास जा रहा है। तो अब यहाँ पे फिर दो लोग इन्वॉल्व हो गए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो अब यहाँ फ्रेट फॉरवर्डर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो एनओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डर में ये कह पाना है कि कौन सा आप चाहिए आपका, अगर शिपमेंट जो है फुल कंटेनर है, अगर फुल कंटेनर है तो आप शिपिंग लाइन पे भी जा सकते हो फुल कंटेनर में, वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इन दोनों में से किस पे जाएं, तो लोस्ट कंटेनर है तो आप क्या करो, दोनों से कोटेशन लो, देखो समझो किसका लीड टाइम कम है, किसका प्राइस कम है, उसी के अकॉर्डिंग उसको बुक कर सकते हो। दोनों सेफ है, दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, दोनों ही वन पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपके जैसे आप ये भी सोच देख सकते हो कि आपके जो शिपमेंट है किसी कंट्री में है, मल्टीपल पॉइंट से पिकअप होना है, मल्टीपल पॉइंट से पिकअप होना है, तो आप एनओसीसी पे जाओगे तो वहां पे आप देखोगे तो चार्जेस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि क्या उनका जो लोकल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होता है, फ्रेट फॉरवर्डर भी उसकी हेल्प ले लेते हैं वहां पर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। अब फुल कंटेनर लोड है, आप शिपिंग लाइन पे जाइए। शिपिंग लाइन में प्रॉब्लम क्या होती है, शिपिंग लाइन ज्यादातर जो बड़े जो उनके एक्सपोर्टर होते हैं, बड़े जो बल्क में उनसे लेते हैं, उनको ज्यादा ही अहमियत देता है, उसके वजह से वो छोटे वालों को ज्यादा जल्दी रिवर्ट भी निकालते हैं, आपको इनकी करो तो 24 घंटे में। फ्रेट फॉरवर्डर क्या है, जल्दी जल्दी रिवर्ट करते हैं, इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनओसीसी भी थोड़ा टाइम लेते हैं, पर फ्रेट फॉरवर्डर क्या रिप्लाई करने में सबसे ज्यादा फास्ट होता है। अब शिपिंग लाइन में क्या है, अगर आपके पास बहुत सारा लोड है तो आप जाएंगे तो आपके जो रेट है वो भी आपको कम मिलेगा, और आपकी जो शिपमेंट है उसको प्रायोरिटी भी मिलेगी। प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, सपोज कीजिए मैं आपको ग्राउंड लेवल की सच्चाई बताता हूं। देखिए शिपिंग का मालिक कौन है, शिपिंग लाइन है, ये आप समझो फ्रेट फॉरवर्ड, ये जो है पूरी शिप है, इसी से शिपमेंट आपका जाना है। अब पीक टाइम चल रहा है, पीक टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या है, सपोज कि सिर्फ 100 कंटेनर आ सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे 100 कंटेनर आ सकते हैं। अब शिपिंग लाइन क्या करेगा, इसने भी 100 बुकिंग ली है, इसने भी मान लो 10-15 बुकिंग ली है, इसने भी 10-15 बुकिंग ली है, अब क्या होगा, इसकी कैपेसिटी तो 100 की है ना, तो जो शिपिंग लाइन है वो अपने कस्टमर को पहले प्रायोरिटी देगा कि जल्दी से उसका शिपमेंट वहां पे स्टफिंग होके वहां से निकल गया, जो भी है डिस्पैच हो जाए, और उसका जो पेमेंट है वहां से मिल जाए, क्योंकि हर कोई क्या है अपने शिपमेंट को प्रायोरिटी देता है, तो ये अपने कस्टमर को पहले देगा। और कभी कभी आप देखते हो वेसल में शेड्यूल ना होने के बाद अक्सर वेसल शेड्यूल चेंज होता है, वेसल डिले नोटिस आती है, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, तो वो सारी चीजें शिपिंग लाइन की डायरेक्ट रहती तो नहीं होती, उसकी एक बार बुकिंग हो गई, फला शिपमेंट में आपकी बुकिंग हो गई तो फिर बुकिंग हो गई, ज्यादातर वो इसी से चला जाता है, उससे वो ऐसा नहीं होता कि जगह नहीं मिली इसलिए वो नेक्स्ट में वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेट फॉरवर्डर पे भी आप जा सकते हो। फ्रेट फॉरवर्डर हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉर्मली फ्रेट फॉरवर्डर यूज करते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, सिंगल पॉइंट है। उसके बाद क्या है, आप मल्टीपल फ्रेट फॉरवर्डर देखोगे आपके लोकल लेवल पे, आपको क्या है कंट्री में मल्टीपल फ्रेट फॉरवर्डर देखोगे वो जो कि वेल एस्टेब्लिश है, तो आप उससे क्या है अलग अलग फ्रेट फॉरवर्डर से कोटेशन ले लिया। जब आपने अलग अलग फ्रेट फॉरवर्डर से कोटेशन लिया, सबको आपने देखा मिलाया, हाँ किसमें आपको कम लग रहा है किसमें कम टाइम लग रहा है, आपने उससे बुकिंग कर दिया, और फ्रेट फॉरवर्डर का जो रिप्लाई है वो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि वो शिपिंग लाइन को बिल्कुल चरस बन जाते हैं। अब चरस क्यों बन जाते हैं शिपिंग लाइन को, क्योंकि वो उनको अच्छा खासा लोड डील कर रहे हैं, इसलिए हमेशा जो वेल नोन कंपनी है, वेल सेटल्ड कंपनी है, उसी पे जाएंगे तो आपकी जो शिपिंग की प्रायोरिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो FCL LCL आपको समझ में आ गया कब किस पे जाना है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस पर आप मेरे को कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको थोड़ा स्मार्ट बनकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, डिले ना होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी आपका शिपमेंट वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो जो NVOCC की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर मैंने आपको दिया है। सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिए, जो NVOCC है उसको को लोडर और कंसोलिडेटर भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं शिपमेंट को कंसोलिडेट भी करते हैं और डीकंसोलिडेट भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो का नाम क्या है, कार्गो कंसोलिडेशन, यानी कि जो शिपमेंट डिस्पैच होता है वहां से, और जब वहां पे डिस्पैच होकर पहुंचता है तो डीकंसोलिडेशन जो होता है वो भी ये प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी NVOCC के अंदर आती है। उसके अलावा लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी ये ले लेती है, उसके जो भी आप जहां से पिक कर रहे हो लोकल लेवल पे वहां से भी सारा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। और उसके बाद ये खुद का BL भी जनरेट कर लेती है, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहां पे शिपिंग लाइन में हैंडल करती है। तो इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये देखोगे, बाकी सारा चीज ये प्रोवाइड सर्विस सारी करती है, ये मतलब समझना कि आप प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि NVOCC भी एक इंडस्ट्री है, वो अच्छा ग्रो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पर सर्विस जो होती है, जो मेजर सर्विस होती है वो यही होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसको कौन रेगुलेट करती है। तो रेगुलेशन आपको जानना बहुत जरूरी है जिससे आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेट फॉरवर्डर की। तो फ्रेट फॉरवर्डर को जो रेगुलेट करती है आप यहाँ पे देख सकते हो फियाटा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर एंड एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ये 1936 में आ गया था, उसके बाद धीरे धीरे और भी जगह फैलने लगा। तो इस तरीके से जो फियाटा है इसे करीब 109 मेंबर हैं। तो ये जो रूल वगैरह बनाती है इसके अकॉर्डिंग है, रेगुलेट करती है, देखती है, इसमें आप कंप्लेन भी कर सकते हो, बहुत कुछ है। तो फियाट आप ये समझ के चलो एफएफ को कोई रेगुलेट कर रहा है, फिर फॉरवर्डर कोई रेगुलेट कर रहा है, तो वो फियाट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनवीओसीसी, इसको कौन करता है। पहले तो ये इसको देखा जाए तो कोई रेगुलेट नहीं करता, हर कंट्री के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली जो आप जहां रजिस्टर है वहां पे भी है, बट आप इसको आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। बट एक जो रूल है आप यहाँ पे देख सकते हो मार्टाइम रेगुलेशन एक्ट, जिसको आईसीसी ने अप्रूव दे दी, हरी झंडी दे दी है कि हाँ ये ठीक है। तो ये उसके रूल को फॉलो करता है, रेगुलेट नहीं करता, इसके रूल को फॉलो करता है। तो एक तरीके से एनओसीसी क्या है, मार्टाइम रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इसका लाइसेंस है वो कैसे ले। देखिए लाइसेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट, आप किस कंट्री में हो उस कंट्री की गवर्नमेंट से आपको वहां पर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हर कंट्री का अलग अलग है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो है और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे लिंक करके उस कंट्री की, जिस कंट्री की शिपिंग लाइन है उससे आप लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है, सबकी अलग अलग शिपिंग लाइन होती है, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, सबको बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक यूएस का जो प्रोसीजर है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, तो जिससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, आप देखोगे एफएमसी जिसे कहते हैं फेडरल मैरिटाइम कमीशन, तो ये क्या है, एक यूएस फेडरल एजेंसी है जो ओशियन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, जितना भी रेगुलेशन वगैरह टेक केयर कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये उसको रेगुलेट करती है। उसके बाद आपको आईसीसी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो अलग है टॉपिक। आईसीसी में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो आपको प्रायोरिटी देती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो कंपनी है वो ग्रो होती है। उसके बाद ये जो तीन तरह के लाइसेंस यूएस में प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहले आता है ओटीआई एनओसीसी। अब ये क्या है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, नॉर्मली इसी को लेते हैं जितने भी एनओसीसी होते हैं। इसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, किसी भी शिपिंग लाइन से जो वहां पर है उसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, प्राइसेस दे सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसे मैंने आपको बीएल बताया, तो वो बीएल भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओटीआई ऑफ यूनिवर्सिटीज लाइसेंस। अब इसकी एक किस टाइप का लाइसेंस है, ये भी एक टाइप का लाइसेंस है, पर इसको ज्यादातर फ्रेट फॉरवर्डर लेते हैं, जो यूएस की एजेंसी है, जो यूएस में अगर आप वर्क कर रहे हो फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं वो इसको लेते हैं, पर ये एचबीएल वगैरह जनरेट नहीं कर सकते, पर उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। ज्यादातर आप देखोगे ये जो ये वाला लाइसेंस लेके जो जिनके पास एनओसीसी का लाइसेंस है उसी से लिंक कर लेते हैं। और आप छोटे छोटे यूनिवर्सिटी इंडिया में भी देखोगे वो सबसे लिंक होते हैं, अपने कंट्री में सिर्फ रजिस्टर होते हैं, इनसे लिंक होते हैं, ये उनको देते हैं, वो आगे प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से जो पूरी साइकिल है वो चलती रहती है। तीसरा आता है ओटीआई एनओसीसी एंड फॉरवर्डर दोनों। अब आप यहां पर देखो कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो ये है, यानी कि ये चाहे तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एनओसीसी की जो मेन मेजर सर्विस है पूरी सर्विस जो डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारी एग्रीमेंट वगैरह डायरेक्ट कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो फ्रेट फॉरवर्डर सर्विस भी चाहे वो कर सकते हैं, पर इतना याद रखिएगा अगर कोई शिपमेंट वो पिक कर रहे हैं तो वो दो एक ही शिपमेंट में दोनों को यूज नहीं कर सकते, एक बार में एक ही यूज होगा सेम शिपमेंट के लिए, अदरवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों में डिफरेंस है। ये जो रेगुलेशन है वो यूएस का, अगर यूएस में नहीं है आपका तो आपको वहां पर अपनी जो कंपनी वो रजिस्टर भी करानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे वर्क कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको किसी तरीके से कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्द से जल्द रिवर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।